वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब कुछ दिनों पहले मैंने अपने शो के आगाज में एक रिसर्च शेयर की थी और मैंने बहुत प्राउडली बताया था कि हमारी खवातीन किसी से पीछे नहीं है। चाहे अंटार्कटिका जाने की बात हो तो खवातीन वहां पर भी पहुंच चुकी हैं और झंडे गाड़ चुकी हैं। हमारे साथ आज उस रिसर्च वाली खातून मौजूद है जो अंटार्कटिका गई और एक प्रोग्राम के तहत गई। डॉक्टर तैयबा जफर ने हमें ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो डॉक्टर तैयबा, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जहां हम आपकी रिसर्च शो कर रहे थे कि खवातीन इतना जबरदस्त काम कर रही है, तो आपसे मिलकर भी हमें डेफिनेटली बहुत अच्छा लगने वाला है। अच्छा डॉक्टर तैयबा, अपने सबसे पहले तो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। बेसिकली यू आर फ्रॉम सिडनी, राइट? उसके वहां पर आप किस तरह से लेक्चरर हैं, क्या कर रही हैं, उसको थोड़ा सा बताइएगा। मैं ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट फ्रॉम 3.5 इयर्स हूँ, और उससे पहले मैं जर्मनी में काम करती थी एंड आई वाज विद द बिगेस्ट टेलीस्कोप्स ओवर देयर वर्किंग फॉर 8 मीटर और मोर टेलीस्कोप्स। ये हम इस बारे में बात करेंगे एंड ऑडियंस विल गेट नो मोर ऑफ इट। पर अब फ्रॉम 3.5 ईयर्स फर्स्ट मैंने मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के लिए काम किया, ऑस्ट्रेलियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के लिए, एंड देन हमारा डिपार्टमेंट वो डिसॉल्व करना चाहते थे, सो उसे मूव कर दिया जाए मैक्वेरी यूनिवर्सिटी के साथ। सो करंटली आई एम वर्किंग देयर एज अ लेक्चरर। लवली। अच्छा डॉक्टर तैयबा, जिस प्रोग्राम के तहत आप गई, बेसिकली वो प्रोग्राम है क्या? बेसिकली वो प्रोग्राम असल में साइंस में जितनी भी आपके पास ऑल अक्रॉस साइंस फील्ड जितनी भी आपके पास औरतें हैं, ये उनके लिए एक प्रोग्राम था। मैं एस्ट्रोनॉमर हूँ, मेरी साइंस ऑफ कोर्स फिज़िक्स और एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है, और सितारों और कहकशाओं का काम है मेरा। और उसमें वो सिलेक्ट कर रहे थे नॉट ओनली इन एस्ट्रोनॉमी बट ऑल लाइक साइंस फील्ड, जिसमें मैथमेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और उसके अलावा मेडिसिन, इन सारे शोबों से वो सिर्फ वुमेन का प्रोग्राम है जिसमें वो कलेक्ट करते हैं एवरी ईयर। सो ओवरऑल वो प्रोजेक्ट है 10 ईयर्स का। आई वॉज गॉन विद देयर थर्ड कोहॉर्ट, सो ये थर्ड ईयर ऑफ द प्रोग्राम था। मेन एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू एक्चुअली गेट 1000 वुमेन इन 10 ईयर्स, जिन्हें वो ट्रेन करेंगे फॉर लीडरशिप कोर्सेज, बिकॉज ऑल दे वॉन्ट इज के हमें औरतें चाहिए जो इस प्लानट का एक फेस हों और वो हर जगह पर लीड करें, और वो अपने नाच सिर्फ साइंटिफिक प्रोफेशन को बट उसके अलावा जैसे हमारे पास ये माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत वाक़ हो रही हैं, वो उसके बारे में भी कोई इनिशिएटिव लें। बिकॉज अगर सिर्फ क्लाइमेट चेंज के बारे में क्लाइमेट चेंज के लोग ही काम करते रहें, इट विल नॉट बी इनफ, इट्स फॉर ह्यूमैनिटी, सो वी शुड डू इट। सो ये उस सब के लिए था। मैंने अप्लाई किया था 2018 में, सॉरी 17 में, और 18 में मेरा सारा वो प्रोग्राम चला आफ्टर सिलेक्शन। और ये ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट था जिसमें हमारी कोचिंग की गई, जिसमें हमें सिखाया गया कि हमें क्या करना है, किस तरह से अपनी प्लानिंग करनी है, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स, कौन सी चीज़ें हैं जो हमें रोक रही हैं और हमें उनसे बाहर निकलना है। तो एक बहुत एक्सटेंसिव प्रोग्राम था एंड उसका एंड जो था वो अंटार्कटिका था, क्योंकि हम ये ग्लोबल प्रोग्राम है। सो हमारे पास 26 डिफरेंट कंट्रीज से, जिनमें मैं, जी 80 वुमेन, यू आर द ओनली पाकिस्तानी, ओनली पाकिस्तानी, या एंड सो फार ओनली पाकिस्तानी, बट मैं मेंशन करना चाहती हूँ नेक्स्ट ईयर दो जा रही हैं हमारे लाहौर से ही। वाओ, दैट्स नाइस, सो दैट विल बी वंडरफुल, एंड दे आर वर्किंग इन वेटनरी साइंसेज हियर, और मैं उनसे भी मिलूंगी, ये भी मेरा प्लान है। बट हाँ, अब पाकिस्तान से भी जा रही हैं, बट उस टाइम मैं ऑफ कोर्स आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट आई वॉज लिविंग इन सिडनी। सो 26 डिफरेंट कंट्रीज़ की हम 80 वुमन थी, उनमें मैं ही पाकिस्तानी सी, आई ट्रेवल विद द लाइक पाकिस्तानी पासपोर्ट स्टिल बिकॉज आई हैव दैट। सो या उसके बाद हमारा उधर ज़्यादा एक्सटेंसिव प्रोग्राम हमारा स्टार्ट हुआ जो कि क्वाइट इंटेंस था। उसमें एक वीक हम बिफोर शिप रहे और फिर उसके बाद 3 वीक्स हमारा ऑन शिप प्रोग्राम चला। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर तैयबा, क्योंकि आपने बताया कि एक बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम था, एक साल आपकी कोचिंग भी हुई, काउंसलिंग भी हुई, प्लानिंग स्ट्रेटजी, उस सफ़र के हवाले से इसे भी थोड़ा शेयर करें कि किस तरह की काउंसलिंग कोचिंग आपको मिली? वो काफ़ी इंटेंस था बिकॉज ऑफ कोर्स दे वर ऑलवेज टेलिंग अस कि अगर आप एक लीडर बनना चाहते हो, लीडर स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ, तो आपको पहले ये जानना है कि आप खुद क्या हो। और वो ऑफ कोर्स हर आदमी में कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं। सम टाइम हम अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ ही चलते हैं, देन वी कैन बिकम लीडर। सम टाइम हम अपनी उन नाकामियों या महरूमियों के साथ इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। सो दे वर टेलिंग अस वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं और आप उनसे कैसे बाहर निकल सकते हो,
वो कौन से आपके फियर्स हैं, लाइक कुछ होफ होते हैं, लेट्स से कि आपको हाइट फोबिया या वट एवर, सो थिंग्स लाइक दिस, वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको रोकती हैं, वो छोटी हैं या बड़ी हैं, आपने उनसे कैसे बाहर निकलना है? और इट्स मोर लाइक जर्नी ऑफ एन इनर सेल्फ, साइकोलॉजिकल भी आपको ट्रेनिंग या काउंसलिंग आपकी की गई? एक्चुअली वी हैड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद अस ऑल टाइम एट द शिप टू, सो हमारी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग भी कर रहे थे वो, और ये काफ़ी एक इंटेंस प्रोग्राम था. देयर वर मेनी मोमेंट्स, लाइक वो बातें जो आप किसी से नहीं करना चाहते जब आप उनसे करते हैं, एंड देन यू जस्ट क्राई बिकॉज आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. सो आप उस टाइम सिर्फ उनसे नहीं बोल रहे होते, यू स्पीक आउट टू योर सेल्फ ऑल्सो बिकॉज आप इग्नोर कर रहे थे. या दैट्स ट्रू. सही. अच्छा डॉक्टर तैयबा, आपने 80 जो 26 कंट्री से 80 के करीब खवातीन थी, हर नेशनलिटी की खवातीन हैं, हर एक के टेम्परामेंट्स डिफरेंट हैं, हर एक का कह लें बैकग्राउंड डिफरेंट है, सबके साथ आपका किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? हाँ, मैं पहली बार ये कहना चाहूँगी, मैंने इतने ज़्यादा बल्क में इतने अच्छे लोग नहीं देखे थे पहले. ऑफ कोर्स हम सबकी ट्रेनिंग हुई थी, और ऑफ कोर्स ये एक इतना इंटेंस प्रोग्राम था, वो सिलेक्शन ही इस बेस पे करते थे कि वो लोग जो अच्छे हैं, वो लोग जिनमें कैपेबिलिटीज़ हैं, दे जस्ट नीड सम पॉलिशिंग. सो हर औरत, अभी भी हम आपस में कनेक्टेड हैं, लाइक वी स्टिल हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, हमारे हर टाइम मैसेज शेयर होते रहते हैं. सो अभी भी हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अभी भी हम एक दूसरे के साथ हैं, और हमारे में मैं ये कह सकती हूँ, लाइक आप भी जैसे एक औरत हैं, इट्स सो मच डिफरेंट जब आप एक आदमी से बात करते हैं और जब आप एक औरत से. वो एक नेचुरली बिकॉज ऑफ जेंडर एक ट्रस्ट फैक्टर जो डिलीवर हो जाता है, यू कान डू इट अदरवाइज. और वही एक चीज़ थी कि एक औरत होने का भी एक ट्रस्ट बहुत था, और हमें पता था सम हाउ हम सब की लाइफ आगे पीछे से कहीं से मिल जाती हैं, इमोशंस मिल जाते हैं, फीलिंग्स मिल जाती हैं, सर्कमस्टेंसेस जिनसे आप गुजरे हैं वो सारी चीजें. ऑफ कोर्स बिल्कुल ऐसा था. एंड देन ऑन टॉप एंटार्क्टिका, लाइक मैं अभी तक याद कर सकती हूँ कि वो जो हर तरफ जो सफेदी थी, एक तरह से जैसे चांदी बिछी हुई थी हर तरफ, वो आपको एक पीस देती है, एक पॉजिटिविटी देती है, जो मैंने ऑलमोस्ट एंटार्क्टिका के बाद तो मैंने सारे 7 कॉन्टिनेंट्स ट्रेवल कर लिए हैं. सो मैंने इतनी जगह देखी है, मैंने और ऐसी जगह कहीं पे भी नहीं देखी वो. अच्छा डॉक्टर तैयबा, अभी हम एंटार्क्टिका पे तो आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, उससे पहले के सफर में चूंकि मैं इसलिए ज्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि डेफिनेटली एक जगह पर पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं, काउंसलिंग, ट्रेनिंग, लोग, सारा कुछ. एज अ लेडी आपको डेफिनेटली ये चीजें मुश्किल लगती हैं. एट द एंड आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कह लें एक फोर्स होती है जो बैक की तरफ लेके जा रही होती है, बट इफ यू आर डिटरमिंड तो आप जा रहे होते हैं. एक्सपीरियंस क्योंकि ट्रैवलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपकी रही होगी, तो ट्रैवलिंग के हवाले से भी हमें बताएं, और कुछ ऐसी ड्राइविंग फोर्स जिसने आपको बहुत मोटिवेटेड रखा, बहुत कह लें फोकस्ड रखा, वो क्या था? ड्राइविंग फोर्स मेरी हमेशा से, और वो सिर्फ ये नहीं, लाइक आई कैन काउंट माई जर्नी, इट्स बीन 10 to 11 ईयर्स के मैं अपना पाकिस्तान से जिस तरह से गई आफ्टर माई मास्टर्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी, और फिर PhD डेनमार्क से की, हमेशा अप एंड डाउन तो चलता रहा, पर एक चीज़ वाजे थी कि एम्बिशन, मुझे हमेशा आगे जाना है. एक कदम मेरा यस ऑलवेज स्टिल आई हैव अ लॉट टू डू, लाइक मेरे जो लिस्ट है उसमें कमी नहीं आनी चाहिए. मुझे इससे भी आगे जाना है, ये एक स्टेप है, इससे भी ऊपर जाना है. सो उस चीज़ को, मेरा ड्राइवर तो मेरा एम्बिशन है. सो मैं यही कहूँगी कि वो एम्बिशन था. हाँ, बहुत बार ही आपको चीज़ें पीछे खींचती हैं, वो आपने लाइक यू वेल सेड, और होता है, पर फिर एकदम आ जाता है कि नहीं, नो इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट माइट बी अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट, आई नीड टू फॉलो दैट. और मैंने इसके बाद अपना एक, जब मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा पहचाना था एंटार्क्टिका में, तो फिर मैंने अपना एक वेल थॉट लाइक एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कहा भी था, लाइक यू ऑलवेज हैव सम स्टार इनसाइड, सो टेक गाइड फ्रॉम दैट. सो मैं अब इसकी बहुत ज़्यादा फर्म बिलीवर हूँ कि आपके अंदर एक रोशनी होती है, ज़रूर होती है, और आपको उसके पीछे जाना होता है, और ऑफकोर्स आगे पीछे बहुत ज़्यादा डार्कनेस होती है, बट यू नीड टू सी योर इनर लाइट एंड दैट इज़ योर सेल्फ लाइट. अच्छा, एंटार्क्टिका जाने पहुंचने से पहले भी आपने कहीं सफर किया या कहीं ट्रैवल किया? लाइक जस्ट बिफोर एंटार्क्टिका, नहीं, मैं प्लान नहीं कर रही थी बिकॉज मुझे पता था कि मुझे एक मंथ के लिए जाना है और ये बहुत हेक्टिक ट्रैवल होगा,
पर अगर आप उससे पहले गए हैं तो हाँ उसी ईयर में मैं यूके गई थी, बट इट वाज अर्ली। अब अंटार्कटिका जाने का प्लान किया, फैमिली पेरेंट्स किस तरह का रिएक्शन था? क्योंकि डेफिनेटली उनको प्राउड तो कहीं ना कहीं फील होता होगा, लेकिन अदन कुछ डर भी होते हैं, कंसर्न्स भी होते हैं, पेरेंट्स के कुछ थे? पेरेंट्स तो मेरे साथ नहीं रह रहे, तो मैं अपने एक बच्चे के साथ रहती हूँ, मेरा ऑलमोस्ट 3 ईयर्स का बच्चा है जिसकी कल बर्थडे है। तो पेरेंट्स तो साथ नहीं थे, बच्चा था और मुझे ये था कि इसका मुझे क्या करना है और इसको कैसे लुक आफ्टर करना है, बिकॉज मैं उसे नहीं लेके जा सकती थी। नॉर्मली मैं उसे कॉन्फ्रेंसिस पे भी ले जाती हूँ, तो फर्स्ट टाइम आई वॉज लीविंग हिम, और उसके लिए मैंने ये अपनी मदर से कहा था, एंड शी इज़ ऑलवेज माई बिग सपोर्ट। सो मेरी मदर तो मेरी बहुत अच्छी सपोर्ट हैं, एंड आफ्टर आई गॉट माई PhD ओवरऑल माई फैमिली तो मेरी सपोर्ट थी, बिकॉज दे नो आई एम डूइंग गुड, सो दे वर प्राउड ऑफ मी। जब मैं जा रही थी किसी को आइडिया नहीं था व्हाट इट इज। अच्छा, द बेस्ट पार्ट इज दैट द बेस्ट पार्ट एक्चुअली फॉर देम इट्स अंटार्कटिका, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं जो जा रही थी और जिस तरह मुझे बाद में पाकिस्तान से प्यार मिला, मुझे भी नहीं पता था व्हाट दैट इज, बट नाउ आई गॉट टू नो, ओह इट्स अ लॉट, इट्स अ लॉट, इट्स अ लॉट। या अच्छा ठीक, तो अंटार्कटिका का आप जरा सफर पे आते हैं जी, सर्दी सारा कुछ, बहुत सारे टफ सर्कमस्टांसेस भी आपने फेस किए होंगे, कभी कभी कहा कि नहीं, कहा नहीं ऐसे नहीं कुछ हुआ? अच्छा, सर्दी प्रॉब्लम नहीं थी, बिकॉज मैं अब जैसे मैंने कहा कि मैं आई हूँ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा वार्म है, बट इससे पहले मैं ज्यादा टाइम यूरोप में रही हूँ और ऑलमोस्ट लाइक 8 ईयर्स, और मैंने इससे भी वर्स्ट वेदर देखे थे। जिनको नहीं पता उनके लिए कि अंटार्कटिका में असल में इस टाइम गर्मी थी, बिकॉज वी आर इन द साउथ पोल, वी वर एक्चुअली, तो उधर गर्मी थी। अच्छा। आप विंटर में उधर नहीं जा सकते, लाइक इट्स ऑल टाइम स्नोइंग और वो बंद होता है, पर समर में भी अभी भी उधर फिर भी लाइक स्नोफॉल थी और आपके पास फिर भी वेरी कोल्ड वेदर था, सम टाइम इट गोज टू लाइक -15 और समथिंग, बट हॉट फेजेस भी थे, वो 3 डिग्रीज तक भी चला जाता था, विच इज़ नॉट नॉर्मल फॉर अंटार्कटिका टू गो अबव 0। सो सर्दी इतना इशू नहीं था, सी सिकनेस एक सबसे बड़ा इशू था। मैंने कभी इतना ज़्यादा शिप पे ट्रेवल नहीं किया था, रादर देन मूविंग अराउंड इन बिटवीन डिफरेंट सीज, सो 3 वीक्स ऑन शिप, ये बहुत बड़ा टेरेबल एक्सपीरियंस था। डॉक्टर साहिबा, अभी आप बताए थे अंटार्कटिका सी सिकनेस के हवाले से कि आप समुंदर में कुछ 3 हफ्ते रही हैं, राइट, तो वहाँ पर किस तरह का, किस तरह से किया फिर? जब मैं उनके लिए जो नहीं जानते, जब हम अपना ये हम अर्जेंटीना से गए थे, जब आप लैंड से अंटार्कटिका की तरफ जाते हैं, बिकॉज टेम्परेचर बहुत डिफरेंट है दोनों जगह पे, सो आपको एक पैसेज से गुजरना होता है जिसमें दोनों साइड्स की हॉट एंड लो विंड्स मिलती हैं, और उसे हम ड्रेक पैसेज कहते हैं, एंड इट्स फॉर लाइक मोर देन 36 आवर्स, और उसमें विंड इतनी ज़्यादा होती है, वेव्स बहुत हाई होती हैं, और हम जब गए थे ऑफ कोर्स उस टाइम तो 5 मीटर की वेव्स थी और विंड भी कोई 60-70 किलोमीटर्स पर आवर थी, ऑल्दो इट्स स्टिल अ लॉट, और हमने उसे क्रॉस किया, बट दैट टाइम आई वाज टेरिबली सिक, लाइक ये क्या हो रहा है, ये तो शिप एक जगह खड़ी नहीं हो रही, मोशन सिकनेस ऑफ कोर्स, और काफ़ी मैं ज़्यादा बीमार हो गई। आई रिमेंबर कि मैं अपनी डॉक्टर को कह रही थी लाइक जस्ट सेव मी, आई एम सिंकिंग, लाइक नॉट शिप बट आई वाज सिंकिंग। बट जब हम 3 हफ्ते उधर रहे, ओवर टाइम बॉडी गॉट एडजस्टेड टू दैट, सो थोड़ा कम करने लगने लगा, पर जब हम वापस आए कंडीशंस इवन टेरिबल थी। जब हम दोबारा ड्रेक पैसेज से गुजरे उसमें हमारे पास 170 किलोमीटर्स पर आवर की विंड थी, 150 से 170, और 12 मीटर की वेव्स थी, और वो वेव्स इस तरह हमारे विंडोज़ पे स्प्लैश करती थी, लाइक यू कैन हियर देम, वो ज़्यादा टेरेबल था, बट दैट टाइम आई वॉज फाइन। फाइन मीन्स आई वॉज टेकिंग प्रिकॉशंस, यू डोंट ईट, यू डोंट ड्रिंक, बिकॉज एट द एंड यू आर वॉमिटिंग, तो वो एक टेरेबल एक्सपीरियंस था उस लिहाज से। पर जब आप अंटार्कटिका में चले जाते हैं देन कंडीशंस आर लाइक यू आर ऑन लैंड, स्मूद होती हैं, पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम फिर भी शिप पे थे, और सम टाइम शिप फिर भी रॉक करती थी, लाइक जब हम आइस शीट्स के दरमियान में से गुजरते थे ऑफ कोर्स वो फिर फ्लोट करती थी, तो वो हमें फिर थोड़ी रैटलिंग महसूस होती थी। तो जो एटमॉस्फेयर था ओवरऑल शिप के ऊपर दैट वाज क्वाइट कंफर्टेबल, आप लोगों ने एंजॉय किया उस सफर को, क्योंकि सफर जब भी आप ट्रेवल कर रहे होते हैं देयर आर लॉट ऑफ मेमोरीज यू मेक, आपके लिए बहुत सारे, क्योंकि आपके पास तो इतनी सारी खवातीन थी साथ, तो उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड हुआ, कुछ यादगार चीजें, बहुत ज्यादा लोगों से दोस्ती हुई,
और बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स भी बनी और वो मैं उन्हें कह सकती हूँ फ्रेंड्स फॉर लाइफ बनी. और लाइक यू कैन ईजिली सब कुछ इतने जल्दी और इतने अच्छी दोस्त बन जाती हैं. लाइक यू ओपन अप योर हार्ट एंड दे डू द सेम ऑल्सो. सो ऐसे भी फ्रेंड्स थे और हम ऑफकोर्स एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते थे. और हमें और कुछ करना क्या था, ना हमें कोई ईमेल्स चेक करनी थी, ना कोई रिसर्च पेपर्स पे काम करना था, ना कोई 9 to 5 हमारी रेगुलर जॉब थी. शिप पे हमें खाना मिलता था, दे हैव अ क्रू, सो हमें खाना मिल जाता था, कपड़े धुले मिल जाते थे, बेडशीट्स लाइक यू आर इन अ होटल चेंज मिल जाती थी. जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन प्रोग्राम. बट प्रोग्राम बहुत लंबा था. वो हम सुबह 7 बजे उठते थे आफ्टर ब्रेकफास्ट, आप 8 बजे से शुरू करते थे प्रोग्राम एंड इट फिनिशेज एट 10. और इन बिटवीन हमारी रोज 3 आवर की लैंडिंग होती थी इफ वेदर परमिट्स. 5 डेज तो हम लैंड भी नहीं कर सके क्योंकि बहुत ज्यादा स्नोफॉल थी. सो वो इन बिटवीन हमारी लैंडिंग्स थी जो हम बाहर जाते थे बिकॉज ऑफ जो जानते हैं देयर इज नो प्लेस टू स्टे, यू आर जस्ट ऑन द सी ऑल द टाइम. सो हम मोस्टली सी में ही थे. इंटरेस्टिंग. अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपके कुछ अवार्ड्स भी हमारे सामने पड़े हैं, हम इनके बारे में भी थोड़ी बात करना चाहेंगे. कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिला ये? इनमें से जो दो हैं वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहती थी. एक तो मेरा PhD का, वो कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से मैंने डेनमार्क से PhD की थी. सो ये मेरा अपना मेरी डिग्री है. एंड सेकंड वन जो है वो मेरा होमवर्ड बॉन्ड की सिलेक्शन जब हुई थी एंड आई गॉट द लेटर फ्रॉम देम दैट माय एप्लीकेशन इज अप्रूव्ड. सो वो है. सो मैं ज़रूर शेयर करना चाहती थी हाउ आई गॉट टू अंटार्कटिका. ओह लवली लवली लवली. अच्छा, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम लोगों को मिलती हैं. या आप क्योंकि जिस तरह 26 से 80 लोग थे, दैट्स अ क्वाइट बिग अपॉर्चुनिटी. लेकिन स्टिल इन इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ में आपको क्या लगता है हमारे इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट कितनी सूटेबल है कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर सकें? यू आर द वन जिन्होंने अवेल किया, जिनकी सिलेक्शन हुई, लेकिन बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो उस पर काम भी करी बट दे डोंट गेट अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस. जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट ईयर उनका प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, 2 लड़कियां जा रही हैं. पर हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ कम होने की एक बहुत बड़ी वजह मेरे लिए भी हो सकती थी और वो थी फंडिंग. इस प्रोग्राम के लिए आपको $20,000 चाहिए बिकॉज आपकी शिप को पे करना है, आपके प्रोग्राम इतने बड़े, आपके कोचेज हैं, उन सबको पे करना. सो वो काफ़ी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है. सो हाँ, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ इस वजह से लिमिटेड नहीं होती बिकॉज ऑफ लिविंग इन एन एनवायरमेंट बट बिकॉज ऑफ फाइनेंसिस. सो ये एक बहुत बड़ा मसला है. जो 2 लड़कियां इस साल जा रही हैं उन्हें तो ऑस्ट्रेलिया ही पे कर रहा है, सीइंग देयर अचीवमेंट्स ऑफ कोर्स. और मैं तो ज़रूर इनक्रेज करूँगी वो औरतें जो साइंस में हैं हमारे पाकिस्तान से, दे शुड अप्लाई फॉर इट, माइट बी दे ऑल्सो गेट स्कॉलरशिप एंड दे कैन मेक इट. और ये जैसे मैंने इनिशियली कहा, 1,000 वुमेन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड. सो हमारा हक तो बनता है, सीइंग आवर पॉपुलेशन, हमारा नंबर हाई होना चाहिए. We should make up the percentage which we deserve. और at the end हमारे faces ज़्यादा होने चाहिए because हमारे country को वाकई ही इसकी बहुत ज़रूरत है. आप sciences में जिस तरह से आपने कहा कि सितारों और कहकशाओं पर आप काम करती हैं, तो इस तरह की फील्ड में कितनी रेशो है ख़वातीन की जो आप देखती हैं? पाकिस्तान से तो मैंने बहुत कम देखी हैं. मैंने जो सुना था मेरे से पहले एक एक्सपेरिमेंटल एस्ट्रोफिजिक्स में थी और फिर आई वाज द सेकंड वन, पर मेरी फील्ड उनसे बहुत डिफरेंट है. मैं मोस्टली टेलीस्कोप्स में काम करती हूँ, जो दूरबीनें होती हैं बड़ी बड़ी, उन पे. सो मेरा काम तो ऑब्जर्वेशनल है. अब मैंने सुना है कुछ 1-2 आ रही हैं और पाकिस्तान से आदमी भी, ये लाइक एस्ट्रोनॉमी निगलेक्टेड है पाकिस्तान में, इसमें हमें काम करना चाहिए. पर अगर मैं ओवरऑल जेनेरिकली अगर वर्ल्ड की भी बात करूँ तो एस्ट्रोनॉमी बाकी वर्ल्ड में तो अच्छी जा रही है, पर हाँ फिर भी औरतों का जो है परसेंटेज बहुत कम है. ओवरऑल इन साइंस फील्ड्स औरतों की परसेंटेज जो वर्किंग है 28% है कंपेयर टू मैन. सो ये बहुत लो है, हमें और ज़्यादा औरतें चाहिए. और यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने देखा है, मेरे साथ मेरी लाइक क्लास फेलोज भी थी, वी हैव टैलेंट. और बहुत सी अच्छी लड़कियां हैं जिनके पास लाइक पोटेंशियल है, दे गॉट द बेस्ट ब्रेन आउट, पर हम उन्हें फिर उसी लाइफ में डाल देते हैं जो लाइक हमारे पास एक रेगुलर लाइफ हमने अपने सोसाइटी की बनाई है. नहीं, ज़्यादा कर सकती हैं औरतें. और मैं तो कहूँगी, मैं भी तो देखती हूँ अपना घर भी और अपना काम भी, हर औरत कर सकती है, आप भी देखती हैं. सो हमें सिर्फ ट्रस्ट चाहिए, हमें अपनी फैमिली से, अपने सोसाइटी से ट्रस्ट चाहिए. वी कैन डू बोथ. अच्छा, वुमेन एम्पावरमेंट की एक एग्जांपल तो डेफिनेटली आप हैं, आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपने जाकर वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया. पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ
क्या लगता है मजीद क्या स्टेप्स होने चाहिए जिससे आज की खातून जो है वो एम्पावर हो? इसके अलावा सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी पे जिम्मेदारी है, बिकॉज हमें हमेशा वो डोर्स शटर करने पड़ते हैं जिन्हें हमें बार बार नहीं करना चाहिए. लाइक उन्हीं डोर से आप गुजर के आती हैं, मैं भी, बट एट एवरी टाइम जब हम उन डोर से गुजरते हैं वो फिर से क्यों बंद हो जाते हैं? हमें हम उन्हें क्यों खुला नहीं रहने देते? हम अपनी औरतों पे भरोसा कर कर उन्हें क्यों आगे नहीं बढ़ने देते? हमें इस चीज़ पे बहुत काम करना चाहिए और सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि वी आर एज इक्वल टू मैन और हम भी वही सब काम कर सकते हैं जो एक आदमी कर सकता है. ठीक हो गया तैयबा, हमारे प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप हमारे देखने वालों को देना चाहें, कोई मैसेज अपने सफ़र के हवाले से, अपनी हिम्मत के हवाले से, कुछ भी, कैमरा इज़ ऑल योर्स. मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि आप अपने एम्बिशन को ज़रूर फॉलो करें. आई विल नॉट से कि आप सिर्फ साइंस को जाएं बिकॉज आई एम अ साइंटिस्ट. मैं ये कहना चाहूँगी किसी भी तरह कहीं भी आपका एक एम्बिशन ज़रूर होगा. फर्स्ट तो आप अपने आप में देखना शुरू करें कि आप क्या चाहते हैं खुद से, और फिर आप उसके साथ जाएँ. आपको उसे फॉलो करना है, आपको उसे लेके चलना है अपने एम्बिशन को, और फिर ही आप उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं जिस मंजिल को आपने हाफ देखा हो. एंड ऑलवेज एम हाई. मैंने इससे भी बहुत ज़्यादा एम हाई किए थे और आज मैं यहाँ हूँ, और अब मैं आगे इससे और ज़्यादा करूँगी तो मैं कहीं जाके पहुँचूंगी. यू नीड टू एम हाई, देन यू कैन रीच समवेयर. लवली, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तैयबा. विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर गोल्स, विद योर एंबिशंस. थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके. यू आर द वुमेन जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हैं. वी आर सो प्राउड ऑफ यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जनाब डॉक्टर तैयबा जफर से आपकी मुलाकात करवाई और मुझे तो बहुत अच्छा लगा. उम्मीद करते हैं कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा. फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा. आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.